वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आपके भी बाल काफी ज्यादा पतले हो गए हैं, बालों की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो गई है, बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं हेयर स्ट्रेटनिंग हेयर कर्लिंग टूल्स रॉड्स यूज करने के बाद, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक काफी ज्यादा इफेक्टिव हेयर ऑयल के बारे में, जिसे अगर आपने यूज कर लिया वीक में एक बार तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स इसके देखने को मिलने वाले हैं। इसमें यूज में आने वाली दोनों तीनों चीजें जो भी मैंने आज यूज करा है वो आपको किचन में मिल जाएंगी, एंड मैंने इसे बनाया है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से। अब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो कि बिल्कुल ही अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है, सिंपल किचन इंग्रेडिएंट्स है, इसे मैंने प्रिपेयर करा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे बना कैसे रही हूँ, साथ ही इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सारे यूजफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि ऑयल बनाने के बाद आपको इसको लगाना कैसे है। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको खुद भी इस ऑयल को लगा कर बताऊंगी, प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगी कि ऑयल को अपने बालों में लगाने का सही तरीका क्या है। कई बार ऐसा होता है हम जोर जोरों से बालों को रब करते हैं, ऐसा करने से आपके बाल में ऑयल तो कम लगता है बल्कि आपके बाल टूट जाते हैं, तो ऐसे में आपको गंजेपन की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चलकर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है अगर बालों को सही तरीके से ऑयल नहीं किया जाए। तो बालों को ऑयल करने का एक प्रॉपर मेथड होता है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपको अपने बालों पर किस तरीके से ऑयल को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपके बालों को ऑयलिंग करने के सारी गुडनेस सारे बेनिफिट्स मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं मेथी दाना एंड कलौंजी के सीड्स। अब मेथी दाना और कलौंजी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देते हैं। साथ ही अगर आपको हेयर फॉल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, आप बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर चुके हैं, काफ़ी सारे ऑयल्स हेयर पैक्स ट्राई कर करके थक चुके हैं, तो आपको एक बार मेथी दाना और कलौंजी से बने हुए इस हेयर ऑयल को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अब हमने यहाँ पे लिए हैं 2 चम्मच हमें मेथी दाना लेना है और 2 चम्मच हमें कलौंजी के सीड्स लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, फाइन इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। हम इस ऑयल को प्रिपेयर करने वाले हैं कोकोनट ऑयल के साथ, तो हम कोकोनट ऑयल में इसके फाइन पाउडर को डालने वाले हैं एंड फिर हम अपना नेचुरल हेयर ऑयल प्रिपेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा रहती है, आप देख सकते हैं ये पाउडर बिल्कुल बनके तैयार है। अब अगर आपको प्री मैच्योर ऑफ ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके बाल जो हैं समय से पहले सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको इस हेयर ऑयल को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। साथ ही बालों का झड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं डैमेज हो गए हैं तो भी आपको इस हेयर ऑयल को ट्राई करना चाहिए। ये हेयर ऑयल आपके बालों के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 कप ऑफ कोकोनट ऑयल का यूज़ करा है एंड इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ जो हमने मेथी दाना और कलौंजी का पाउडर बनाया था वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए, सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, पैन को इंडक्शन पे रखूँगी और हमें इस ऑयल को सिर्फ वार्म करना है, हीट करना है, हमें इस ऑयल को बॉयल नहीं करना है, वरना ये जो मेथी दाना और कलौंजी है इसमें जल जाएगा। हमें सिर्फ इसे हल्का सा कुनकुना करना है, गर्म करना है एंड फिर आप इस ऑयल को किसी भी ग्लास कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हैं। ये देखिए, इस ऑयल को बनाना जितना इजी है इसे स्टोर करना उतना इजी, साथ ही इसे लगाना बहुत आसान है। पूरे स्कैल्प पर आपको इसकी अच्छे से मसाज करना है। अगर आपने भी अपने बालों पर काफ़ी ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स कराए हुए हैं, साथ ही आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको इस ऑयल को एक बार ट्राई करें आप एंड आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको इसके रिजल्ट कैसे मिले। मैं पर्सनली भी खुद भी इसी ऑयल का यूज़ करती हूँ, वीक में 2 बार या वीक में 1 बार जब भी आपके पास टाइम हो, ओवरनाइट के लिए इस ऑयल को स्कैल्प पर लगाकर छोड़ दीजिए एंड मॉर्निंग में आप अपना हेड वॉश कर सकते हैं नॉर्मल शैम्पू से। ये देखिए, हमारा तेल जो है बिल्कुल बनके तैयार है, मैं इसे स्ट्रेन आउट कर रही हूँ एंड इसे आप ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये ऑयल का प्रिपरेशन, प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक। ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है आपके बालों के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अपने बालों पर कैसे लगाना है। इस ऑयल को आपको अपने पूरे बालों पर लगाना है, अपने पूरे हेड से स्टार्ट करना है, साथ ही रूट्स को नहीं भूलना है, स्प्लिट एंड्स पे लगाना है। इससे आपके बालों की सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मेथी दाना और कलौंजी आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, ये ऑयल बिल्कुल बन के रेडी है। अब आप देख सकते हैं मैं इसे अपने पूरे स्कैल्प पर लगा रही हूँ। इसे अपने पूरे बालों पर लगाएं, रूट्स पर लगाएं, पूरे स्कैल्प पर आपको इस ऑयल को इवनली मसाज करना है।
करीब 10 से 15 मिनट आप अपने खुद के लिए निकालें इस ऑयल को अपने स्कैल्प पर मसाज करने के लिए, एंड ये ऑयल बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा मेरे बालों में, एंड मैं ओवरनाइट के लिए इस ऑयल को रख दूंगी। आप भी अपने बालों पर रात भर के लिए इसे लगा कर रहने दें, एंड सुबह आप नॉर्मल शैम्पू से अपने हेड को वॉश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कलौंजी और मेथी दाना हेयर फॉल रोकने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। बालों के झड़ने की प्रॉब्लम जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। मैंने खुद ने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं मुझे इस ऑयल को यूज करने से। एक बार इस ऑयल को आप भी ट्राई जरूर करें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज मुझे आप बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ और भी ज्यादा इफेक्टिव हेयर केयर रूटीन के भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि मैं अपने हेयर केयर रूटीन में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करती हूँ। इस ऑयल को बनाना काफी ज्यादा ईजी था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कौन सा लेकर आऊँ प्लीज डू लेट मी नो। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। बाय बाय।